सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ऑटोमोटिव चैनल आपका स्वागत करता है दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वीवो की जेड सीरीज़ की। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही इंडिया में, और इसका जो जेड वन प्रो है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही बिक्री पर रहा, और इसका अंदाज़ा आप इसके फ्लिपकार्ट के रेटिंग्स और सेल फिगर से लगा सकते हैं। और यहाँ आयासें लगाई जा रही हैं कि वीवो का जेड टू प्रो भी इंडिया में देखने को मिलेगा। ये इस बात से हमें पता चलता है क्योंकि वीवो के जेड वन प्रो की प्राइसिंग 2000 रुपये घट चुकी है, तो Vivo Z2 Pro भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और साथ में Redmi और Realme ने भी काफ़ी अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है, और सामने Vivo Z1 Pro थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। तो Vivo Z2 Pro में कुछ अपडेशन होगा Vivo Z1 Pro की तुलना में। तो यहाँ सबसे पहले जो इसका स्क्रीन है दोस्तों वो LCD देखने को मिलता था, लेकिन इस पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा एडिशनल फीचर्स के रूप में। बैक में यहाँ आपको कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लैश भी डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगी, और नीचे की बात करें तो यहाँ आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा। पहले भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार 22.5 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा। और जो डिज़ाइन हो सकता है कि आपको बैक लुक जो है ग्लास देखने को मिले, या फिर पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर की, तो अपने सेगमेंट में सबसे पहले 712 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार आपको इसी सेगमेंट में 730G प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है गेमिंग के लिए। और इसमें आपको 5G कंपेटिबल भी काफ़ी ईजिली हो जाएगा जब 5G इंडिया में लॉन्च होगा। साथ में यहाँ अगर बात करें इसके बैटरी साइज की, तो वो 5000 mAh ही रहने वाली है। और यहाँ आपको फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, अभी भी वही देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, और फ्रंट टच ओएस का नया वर्जन देखने को मिलेगा जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, और यहाँ आपको इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने का कोशिश किया जाएगा। तो अच्छा पैकेज होने वाला है Realme और Redmi को टक्कर देने के लिए Vivo Z2 Pro। तो कब लॉन्च होता है और कब इसके लीक्स आते हैं ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि दिसंबर में ये लॉन्च हो सकता है। साथ में इसमें क्या कुछ खास अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, और बने रहें ऑटोमोटिव के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।